नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर वन चैनल। मैं रोशन गुप्ता और आज हम लोग आ पहुँचे भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड कार्यालय में, जहां पर कोइलवर प्रखंड के जितने भी पंचायत है सभी पंचायत पर विभिन्न प्रकार के पदों के नामांकन हो रही है। तो चलिए जानते हैं जो भी उम्मीदवार प्रत्याशी अपना नामांकन करा रहे हैं वो किस तरीके से अपने विकास को एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से पिछले चुनाव में घोटाले हुए हैं, किस तरीके से वहाँ पे काम को नहीं किया गया है, उन सब चीज़ों पे हम खुल के बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से नामांकन किया आपने? मुखिया प्रत्याशी बनी है आप, समिति प्रत्याशी बनी है आप, किस तरीके से विकास कीजिएगा, क्या कुछ करना है? सबका विकास करना है ना जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से विकास होगा, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं अपने पंचायत को, क्या कुछ कहिएगा? करने का बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा जी, समाज हमारे परिवार सब साथ में जी, बस एक बार मौका सब हमारे साथ में लोग काम करने का सब बहुत अच्छा है, काम करके दिखाएंगे। अच्छा, आप देखते होंगे जल नल योजना जो है मुख्यमंत्री का, वो किस तरीके से धरातल पे उतरा है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है उधर? इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, अपने बारे में जितने बात मैं देखाऊंगा, काम करके बताऊंगा। काम करके बताइएगा। अच्छा, आगे अगर चुनती है जनता तो किस तरीके का विकास आप कीजिएगा, क्या कुछ लक्ष्य बनाया है आपने? लक्ष्य जनता को मालूम है, जितने बात बताएंगे काम कर लीजिए है। आप लोग के क्षेत्र का किस तरीके के प्रत्याशी है बताइए? हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी अब कहना नहीं है, हाँ। इनके बारे में जो कहे कम कहे, जितना कहे कम कहे जी, जो कि हमारे विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारे पंचायत में जितना हो सके मदद करते हैं, बहुत बढ़िया रहता है और बहुत बढ़िया से मतलब सारे जनता का प्यार है इनके साथ, सारे जनता का प्यार है। तो इस बार क्या लगता है जीत? इस बार मतलब बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे और हम लोग का मतलब साथ पूरा साथ है, पूरा साथ है। तो देखिए कई सारे लोग भी आए हुए हैं, हुजूम जो है यहाँ पे इनके साथ है, इनके पंचायत से लोग काफ़ी सारे आए हुए हैं और तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से। क्या नाम हुआ आपका, बताइए क्या संदेश रहेगा आपको, बताइए किस तरह? हम लोग यही संदेश है कि मेरे बड़े भैया जी हैं मतलब समिति से उठ रहे हैं, कामनगर पंचायत से, यहाँ का हमारा युवाओं के लिए काफ़ी योगदान कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हाँ समझिए कि हमारे जिगर है, जान है, जो भी है हमारे यहाँ जो भी के बड़े भैया हैं, ये हमारे लिए ऐलान किए हैं कि अब फील्ड देंगे, हमारे जो यहाँ पर रास्ता में पानी चलता है उस पर पानी का व्यवस्था कराएंगे ये भैया, और जो कि लाइट वाइट वगैरह जो भी व्यवस्था है सारा भैया की व्यवस्था कराएंगे, इसीलिए हम लोग काफ़ी दिल से अपने भैया का समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? चंदा पंचायत वार्ड नंबर 14 से। वार्ड प्रत्याशी हैं, क्या कुछ संदेश दीजिएगा अपने क्षेत्र की जनता को, क्या कहिएगा, जीत के जाइएगा तो क्या कुछ करिएगा बताइए? जितना भी योजना आता है हाँ, कुछ लोग योजना का पता भी नहीं लगने देते हैं कि ये योजना आया है, हम बस उतना ही चाहते हैं कि सरकार का पैसा है जनता में बांट के और एकदम अपना वार्ड को एकदम चमका के रखेंगे। चमका? अच्छा, नल जल योजना का क्या स्थिति है जो मुख्यमंत्री वाला है? मेरे वार्ड में उतना सक्सेस नहीं हुआ है, सक्सेस नहीं हो पाया, नल जल योजना का तो काम भी पूरा नहीं हुआ है, लूट को शॉट हो रहा है, टंकी लगा ना, नल जल योजना के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसको भी अभी तक बराबर नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, बस सब ऐसे ही गड्ढा पड़ा हुआ है। कितना उम्र है आपका? 29 साल। तो अब आगे विकास कीजिएगा अपने क्षेत्र में? विकास करना ही है मेरा, मतलब एम मेरा वही है। तो देखिए इनके साथ प्रस्तावक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा चलिए, आप भी इनके साथ हैं, क्या नाम है आपका बताइए? क्या कुछ संदेश दीजिएगा इस बार आपके? युवा चेहरा है, आना चाहिए युवा चेहरा, युवा ही विकास करेंगे, युवा ही विकास, तो मोदी का नारा है। हम खुद भाजपा के जुड़े हुए हैं, किसान मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं, और युवा चेहरा आना चाहिए ठीक, यही संदेश रहेगा। और प्रस्ताव ये है जी, प्रस्तावक साहब काम अच्छा, क्या कहिएगा क्षेत्र की जनता को? बोले 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 बोलते रहिए आप। जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो चुनाव
तो पहले आते हैं 4 दिन पहले। हमारा प्रत्याशी कैसा हो, उन व्यक्तियों से बहुत दूरी बनाए, और जो व्यक्ति कार्य करता है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी को मत दें, जो व्यक्ति भविष्य में आपका भविष्य के लिए चिंतित है, आपके लिए कार्य कर सकता है, उसको ही अपना मतदान दें। क्या क्या नाम है आपका? क्या क्या पद के लिए नामांकन किया आपने, किस पद के लिए? तेज बोलिएगा। समिति के लिए कौन से जगह से किया आपने? नीदा। क्या कुछ संदेश दीजिएगा आप अपनी क्षेत्र की जनता को, क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से विकास करिए, विकास करिएगा, ठीक है? और चलिए इनसे बात करते हैं प्रस्तावक से। क्या नाम हुआ सर आपका? विश्वजीत कुमार। क्या कुछ संदेश रहेगा पूरे पंचायत को, क्या कहिएगा? पूरे पंचायत को सेवा करेंगे, सेवा करिएगा। पहले से लूट खसोट हुआ है, पहले से तो मेरा पहले से बढ़िया था। आप भी थे पहले से? नल जल योजना किस तरीके से काम कर रहा है लोग वहाँ पे पंचायत में, काम ठीक है? और ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका विकास हुआ, लाभार्थियों को मिला है आवास वास पैसा उसा? आप किस तरीके से विकास कीजिएगा? हम तो मतलब अपने तरह से मतलब बढ़िया विकास करेंगे, इस तरह से हमको मिलेगा। महिलाओं के लिए भी कुछ? महिलाओं के लिए तो ज्यादा करेंगे। तो देखा आपने सारी पंचायत के विभिन्न उम्मीदवारों से हम लोगों ने बात किया, सब लोगों ने अपना अपने एजेंडों को बताया और किस तरीके से घोटाले हुए हैं, किस तरीके से काम नहीं किया गया है, सब लोगों ने अपना अपना राय खुल के रखा हुआ है। तो आप भी अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पंचायत में किस प्रकार कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या क्या कार्य करना रह गया है और क्या क्या घोटाले हुए हैं, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग इस चीज़ को पूरा शेयर करें और आपका पंचायत में पूर्ण रूप से काम अगला प्रत्याशी करे। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके प्रखंड के पंचायत के जितने भी कार्य हैं वो बहुत लोगों के पास पहुँचे और वो लोग इस पे ध्यान दें। धन्यवाद।